नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इको मोड में जो रेंज टेस्ट करने वाले हैं, तो दो सवारी हैं हमें, तो उसी के हिसाब से हम रेंज टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर हमें जाना है। तो इको मोड में जाएंगे, देखते हैं कितने जो परसेंटेज में हम पहुँच पाते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पर बने रहना, और इसी मतलब कोई भी ओला से रिलेटेड या कार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, क्योंकि अगर इसके आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट मतलब रेंज टेस्ट वगैरह कोई भी देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, कुछ किए हुए हैं, और भी करना है तो आप कमेंट करके बता देना, और जो पावर भी दिखाइए ओला की। तो वीडियो करते हैं शुरू, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी है 96% है, तो 3 किलोमीटर सुबह चल गए थे, वो भी नॉर्मल मोड में चले थे, तो अभी हम चलेंगे इको मोड में। तो 3 किलोमीटर है, और टोटल देख सकते हैं टॉप स्पीड है 35 की है, और 11 डिग्री तापमान है इसका, तो अभी 96 है देख सकते हैं, और 2007 किलोमीटर टोटल देख सकते हैं, और हम यहाँ से चलेंगे अभी। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, उसमें आपको इको मोड अभी देख सकते हैं लगा रखा है, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, इसलिए देख सकते हैं आग हमने जलाई है रास्ते में ही। तो अभी आपको दिखाते हैं कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं इको मोड में। तो दो सवारी है, तो ये देख सकते हैं 62% है, और टोटल हम चल चुके हैं 42 किलोमीटर। तो इको मोड में ही हम चल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं 62% है, और 42 किलोमीटर हम चल चुके हैं। टॉप स्पीड देख सकते हैं 40 की है, तो हम इको मोड में ही चल रहे थे। दो सवारी है, लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के करीब वेट है। तो ये देख सकते हैं हम अभी चलेंगे, और ये लगभग आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर का फालतू है, और 60% से 62 है, यानी 2% ज़्यादा है। तो 1% के हिसाब से चला है, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा चली है, तो ज़्यादा फर्क इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी देखेंगे, आगे भी चलेंगे, और देखते हैं कितने जो परसेंट में हम पहुंच पाते हैं। अभी तो 1 किलोमीटर 1% पे एवरेज दे रहा है, तो देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी 50% बैटरी इसकी बची हुई है, 50% यूज कर लिए है। तो अभी मैं किलोमीटर दिखा देता हूँ, ये देखिए 54 किलोमीटर। तो इको मोड में आई है अभी, और लगभग 115 kg वेट हो गया इसके ऊपर है, तो देख सकते हैं। तो रेंज काफ़ी कम निकाली है वैसे माना जाए तो, क्योंकि इको मोड में चल रही है, 42 की स्पीड में है, ये देख सकते हैं स्पीड भी दिखा रहा है, 40 जो टॉप स्पीड है, और 54 किलोमीटर चल चुकी है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि सुबह हम चले थे 96% थी, आपको बताइए, वो सुबह नॉर्मल मोड में चल गई थी, 4% जो यूज हुई थी, उसके बाद 96 के बाद इको मोड में चली है, और पूरी 50% बैटरी है देख सकते हैं, और 54 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही इसकी एवरेज है, तो मान के चले तो काफ़ी कम एवरेज दे रही है, और अभी इको मोड में 91 किलोमीटर दिखा रहा है, और चलेगी नहीं क्योंकि 54 चली है अभी 50% में। तो कैसा लगा दोस्तों रेंज टेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सर्दी है, ये देख सकते हैं हमें रोड पे ही खड़े हैं अभी, रास्ते में आग भी जलाई थी, उसके बाद हम रुक के थोड़ा फिर चले थे। तो दोस्तों अभी चलते हैं, क्योंकि अभी स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर रह गए हैं, और जो इसका बैटरी का तापमान है वो 12 डिग्री है, तो अभी थोड़ा खींच के लेंगे, नॉर्मल मोड में चलेंगे, क्योंकि अभी लगभग 25-30 किलोमीटर बाकी है, और लेट भी काफ़ी हो गए हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो भी वीडियो आ जाएगी, उसमें बता दूंगा, क्योंकि
ओला से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो भी अगली वीडियो आपको आ जाएगी कि किस लिए हम गए थे, तो वो भी बता दूंगा। वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगली वीडियो वो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिल रहे हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अभी चलते हैं थोड़ा खींच के, तो मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।